हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चेस ऑल राउंडर में। गला थोड़ा खराब है तो जरा देख लीजिएगा। तीन मेजर तीन चार इन्फॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए। इसमें से एक तो ये है कि 9 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने बोला था गवर्नमेंट भी कुछ चीजें एक्शन में आने वाली है, बुलडोजर भी अपने लेन पे आगे बढ़ने वाले हैं, जिस पर खबरें आ रही, अब शुरू हो गई। जलपुरा जो बिस्तर की साइड है वहां पर गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि भाई वो बुलडोजर कार्रवाई करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें छपरौला एरिया की, वहां पर भी अब कुछ सोसाइटीज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है टारगेट्स में आने वाली हैं। नाम मैं इसलिए डायरेक्टली लेता क्योंकि उसके लिए फिर रिटन एविडेंस टाइप चीजें चाहिए होती है, तो अनऑफिशियल मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कई जगह से। आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन, जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा आपको कि कहाँ पर करना है। तो ये तो हो गया बुलडोजर का सेक्शन कि भाई अब ये एक्टिव होंगे और जैसा मैंने पहले बताया था अब ये शुरू होगी, आगे बढ़ेंगे, चीजें आप देख ही रहे हैं। अदर थिंग, जो शहीद स्थल की मेट्रो से गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के बीच में है, मैंने बोला था एक बार आपको कि रोपवे बन सकती है, बताया था। अब उसके लिए जब ये यूपी का बजट अनाउंस हुआ उसमें भी इसका प्रोविजन रखा गया है, एक रोपवे के लिए बजट करा गया। एक्चुअली तीन प्रोजेक्ट थे, आई थिंक एक 62 वाला पोर्शन था, एक वैशाली वाला पोजिशन था और एक ये गाजियाबाद शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का ऑप्शन था। तो वो पोर्शन लग रहा है अब ये आगे बढ़ेगा रोपवे के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा आप लोगों को बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो NH-91 झपरोला, जिस सेक्शन की मैं आप लोगों से हमेशा बात कर रहा हूँ कि उस पर अब धीरे धीरे चीजें ध्यान दी जा रही है, तो अब सोचो लाल गोसा अब रेलवे स्टेशन कितनी और कम हो गया दूरी, क्योंकि आपको मेट्रो तक जाना नहीं पड़ेगा, सीधे आप रेलवे स्टेशन से ही रोपवे से ही आगे आगे चल के अगर ऐसा बनता है तो वो कर सकते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। पुल की बात तो मैंने आपसे की ही थी कि भाई पुल का जो एक मूर्ति से NH-91 वाला है वो काम तो ऑलरेडी चल रहा है, बस अब जो प्रॉपर्टी की बाइंग है ना, इसको आपको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि जब इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं ना बैक टू बैक, इवन की फिल्म सिटी जो एक्सप्रेसवे वाली जेवर साइड जाने वाली है, उसका भी अब जो बिडिंग थी जो भूटानी ग्रुप ने आई थिंक जीती है, एक और ग्रुप है उनके साथ मिलके करना है, तो वो लोग अब उसको फाइनली उस पर आगे बढ़ेंगे। बिडिंग हो गई, सब काम कंप्लीट हो गया, वो जीत चुके हैं और उस पर काम वो शुरू करेंगे। यानी अब अगर आपको जेवर की साइड फिल्म सिटी के आसपास की प्लॉटिंग में बाइंग करनी है तो अब आप उस पर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए या तो अप्रूव्ड और फ्री होल्ड में जाना है तो कोई स्टेबल बिल्डर हो उसी के पास, हर किसी के पास नहीं। ऐसे ही छपरौला सेक्शन में जो मकान है बहुत सस्ते चीप में मिल जाते हैं, अच्छे भी हैं, हैवी भी हैं, मैंने कवर भी किए थे, लेकिन वहीं पर जो स्टेब्लिश्ड है सबके पास वो अच्छा रहो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बाद में आप ही दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो जो हुआ वो पहले मैंने बताया था। और सिद्धार्थ विहार, वैसे तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है उस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है और ऑलरेडी प्राइम सेक्शन है, मेट्रो स्टेशन बन रही है यहाँ रैपिड का, और उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फ्लैट से ही है 90%। हाँ, आप प्रताप विहार में इंडिपेंडेंट फ्लोर को वर्कआउट कर सकते हो, काफी इंडिपेंडेंट फ्लोर वहां पर है। रीजन बिहाइंड क्या है, वैसे मेरे पास उसका ऑप्शन है, मुझे पता है कहाँ कहाँ पर है, और इवन कि वहाँ ही नहीं, हमेशा ली इंदिरापुर वगैरह आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर जो ठीक है, हाई कॉस्ट जाती है लगभग आपको 65-70 लाख से स्टार्ट हो सकता है, वो शायद उतना अच्छा पसंद ना आए आपको, और फिर आप रेंज में 1.10, 1.5 इस तरह से जाता है, और साइज में भी लगभग 120, 130 गज, 40 गज ऐसे चला जाता है जो साइज होता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर फ्लैट में भी नहीं जाना और फ्लैट भी वो मकान भी नहीं मिल पा रहा तो फिर आप इंडिपेंडेंट फ्लोर को चूज कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात कर ले आप इधर एक मूर्ति की तरफ की, सॉरी हाँ एक मूर्ति की तरफ की, विलास सस्ते वाले ये ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर अंदर ही मिलेंगे, अभी कनेक्टिविटी हो रही है, मतलब रोड्स आ गई हैं पर ई रिक्शा वगैरह अभी नहीं है, तो वो 2 किलोमीटर आपको अंदर ही मिलेंगे, 1.5 से 2 किलोमीटर का। सेक्टर 10 में वैधपुरा में विलास की कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेला भरे बड़े, आप कनेक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि जब रोड इतनी बन चुकी, इतने मेला बन गए तो हो सकता है सवारी वाले शेयरिंग ऑटोज वगैरह आ जाए, वहाँ भी रेंज आपको 40 तो नहीं, 50, 55, 60, 70, 75 इस तरह की रेंज में मिल जाएगी। और अगर बात अप्रूव की करें प्लॉट्स की, तो बहुत से बस लॉजिक में पहले ही बता चुका हूँ, 1 लाख रुपए मीटर का अगर प्लॉट है अप्रूव्ड, 35,000 रुपये का सर्कल रेट है, तो
तो आपको बचे हुए हिस्से के लिए खुद फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लोन सिर्फ सर्किल रेट पर ही होगा, चाहे वो नेशनल बैंक ही क्यों ना करे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 144 सेक्टर है, 145 है, 74 है, ये प्राइम एरियाज है। यहाँ तो अप्रूव प्लॉट्स भी बहुत हैवी रेटेड पे, 1.5 लाख, 1.25 लाख, पता नहीं क्या क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पर। अब बाकी मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, डिटेल तो मेरे पास रहती है, आपको इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं। देखो मुझसे आप लोग पूछते हो ना कि प्रॉपर्टी का, जब आप मुझे बजट बता देते हो और मुझे आप बता देते हो लोकेशंस, लेकिन मैं आपको उस बजट में उस लोकेशन में कहाँ कहाँ होगा मैं बता दूंगा। आप जब खुद भी ढूंढ ले जाओगे ना, तब भी आपको वही मिलने वाला है, क्योंकि आपको सारा ढूंढने के बाद समझ में आ जाएगा कि यार यही चीज़ ठीक थी। तो इसलिए डायरेक्ट ले लियो, हो उसे पूछ लिया, खुद भी वर्कआउट कर लिया, टाइम बचा ला तो मुझे कर लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलो थैंक यू।